हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है किसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कि कोई भी लिक्विड हो, क्या वो वोलेटाइल लिक्विड है, क्या वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वोलेटाइल का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वो बताता हूँ आपको। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड हो, अगर उस लिक्विड को आप ओपन एटमोसफियर में ओपन करके रख दें तो वो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर या एग्जिस्टिंग टेम्परेचर पर वो लिक्विड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होने लगे विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि हम उसे हीट नहीं कर रहे, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दे रहे, तो वो डायरेक्टली अगर क्या होता है लिक्विड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वो जो लिक्विड होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। समझ में आ गया, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए कि मैंने एक पेट्रोल का एनिमेशन आपको दिखाया हुआ है, इमेज में देखिए कि पेट्रोल आसानी से एवापोरेट हो जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए जब हम पेट्रोल को मेजर करते हैं तो उसकी जो सरफेस एरिया होती है, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो सरफेस एरिया होती है बहुत कम होती है, ताकि वो क्या करें कि ज़्यादा एवापोरेट ना हो। समझ में आ रही बात? इसका यही लॉजिक था। और भी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मिथेनॉल है, एल्कोहल कैटेगरी में जो आते हैं वो एल्कोहल, जो लोअर हाइड्रोकार्बन के एल्कोहल्स होते हैं, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जो कि हम लोग सैनिटाइजर वगैरह में यूज करते हैं, वो भी जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये इथेनॉल है, ये भी मेरा क्या हो जाता है वोलेटाइल कैटेगरी में आता है। समझ में आ रही है? ये सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जो कि आसानी से एवापोरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगला जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, आप एनिमेशन में देखिए कि यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, वो लिक्विड जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर की बात करें या नॉर्मल टेम्परेचर की आप बात करो, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस में आसानी से कन्वर्ट ना हो, आसानी से नहीं कन्वर्ट ही ना हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आप घर पे ऑयल वगैरह यूज करते हो, क्या ऑयल को आप ओपन करके रख दो तो ये एवापोरेट होगा क्या? नहीं, जब तक आप इसको हाई टेम्परेचर मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस आप सप्लाई नहीं करोगे, सप्लाई करोगे तभी ये शायद एवापोरेट हो, नहीं तो इससे पहले ये एवापोरेट नहीं होगा। यानी कि ये जो लिक्विड से ऑयल जो है आप बात कर रहे हो, ये जो ऑयल है ये भी मेरा नॉन वोलेटाइल के करेक्टर में आता है। यहाँ पे देखिए आप हनी देख लीजिए, हनी जो है ये भी नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप शुगर देख लीजिए, शुगर सॉल्यूशन जो होता है, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो भी मेरा नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आता है, ये आसानी से एवापोरेट नहीं होते, इवन होते ही नहीं आप बोल सकते हो। अगर मान लो कि ऐसा एवापोरेशन होता तो आप किसी मेले में गए और वहाँ पे जलेबी लेने के बजाय 5 मिनट खड़े हो गए और खूब सारी चीनी खा ली और हो गया अपना काम, जलेबी लेने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। ये जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। इवन आप वाटर देख लीजिए, यहाँ पे जो ये वाटर लिक्विड है क्या ये वोलेटाइल कैरेक्टर है? नहीं, ये वोलेटाइल नहीं है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेट होता है, उससे पहले ये एवापोरेट नहीं होता है। यानी कि जो आसानी से एवापोरेट हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलो बच्चों, वोलेटाइल लिक्विड्स। और जो एवापोरेट नहीं होते एग्जिस्टिंग टेम्परेचर पर उसको हम बोल देते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।